दोस्तों मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय करनाल के मुगल कैनाल में खड़े हैं और आपको बता दें जिस तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल में सबसे अच्छी चीज़ किसको मानते हैं, हम क्या अच्छे कपड़े पहनने को मानते हैं और ज्वेलरी पहनने को मानते हैं, नहीं, उसके साथ साथ एक चीज़ होती है हमारी हाइट, जिसको लेकर हमेशा से लोग सोचते हैं काश मेरी हाइट इतनी होती। और कई लोगों को तो बड़ा गुमान होता है कि मेरी हाइट तो इतनी है तो मैं तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देती है उन्हें, ऐसा लगता है। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ हाइट ये सोच लेने से कि 6 फीट तक होती है तो आपको खुशी नहीं होगी, जबकि हमारे साथ में आपको बता दें कि एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि वो हरियाणा के नंबर वन हाइट जो है वाले व्यक्ति बन चुके हैं और उनकी उम्र भी बता दें कुछ ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम उनकी उम्र है। और यहाँ पर जो है आसपास के जो लोग हैं उन्होंने ये जानकारी हमें दी, जबकि जिस दुकान पर हम खड़े हैं यहीं पर वो काम करवाने के लिए अपनी गाड़ी का आए थे और जब यहाँ पर हमें जानकारी मिली तो सोचा कि आपको भी ज़रूर उनसे मिलवाते हैं, क्योंकि लंबी हाइट होना अपने आप में कई सारे पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं। कुछ उनसे बात करेंगे क्या पॉजिटिव रहे क्या नेगेटिव रहे, क्योंकि बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। जी क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरा नाम जित्तू मोर है जी, मैं नरवाना का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप किस लिए आए थे? मैं मेरी गाड़ी का काम कराने के लिए आया था, परसों नई गाड़ी लिए क्रेटा। अच्छा, तो उसका काम करने के लिए यहाँ राज कार एसेसरीज के पास आए हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा ये बढ़िया काम करते हैं, मेरे दोस्त हैं मंदीप काजल, उनकी दुकान है ये, तो वहीं यही है। मैं तो दो तीन बार आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 23.5 साल है जी। 23.5 साल उम्र है? हाँ जी। तो नरवाना के ही पक्के रहने वाले? हाँ, नरवाना से, मोरपत्ती नरवाना। अच्छा, तो ये जैसे आपकी ये हाइट है तो इसके बारे में सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे आप वैसे करते क्या हैं फिलहाल? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जी, मैं एमए करते हैं। हाँ जी, एमए मास कॉम कर रहा हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। अच्छा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर आपने देखा जिस तरीके से ये पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि इनकी हाइट से इन्हें क्या कुछ जो है आगे, जैसे आपकी हाइट कितनी है पहले तो ये बताएं। मेरी हाइट 7.5 फुट है। 7.5 फुट? हाँ, पूरी 7.5 फुट। हाँ, पूरे 7.5। तो क्या आप हरियाणा के सबसे लंबे व्यक्ति? हाँ, मैं हरियाणा का सबसे पहले नंबर पे आते हैं मेरी हाइट। जी जी जी, तो जैसे आपकी हाइट है, सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं कि आपको इसमें पॉजिटिव क्या मिला कि एक औसत हाइट का कोई व्यक्ति है, कोई भी जैसे हमारे आसपास में सभी लोग हम खड़े हैं, क्या ऐसा होना आपको ठीक लगा या आपको इसमें कुछ पॉजिटिव लगता है, क्या कुछ पॉजिटिव है इसमें? देखो जी, पहली बात तो ये, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरे को नेगेटिविटी फील होती थी। अच्छा। क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि थोड़ी शर्म सी महसूस होती थी कि मेरी लंबी हाइट होगी, लोग मेरी तरफ देखते थे। तो धीरे धीरे मैं यूनिवर्सिटी की तरफ आया तो मेरे को लगा कि जो कुछ हाइट है, हाइट की वजह से आज मेरे को इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जानने लग गए हैं। हाँ, मेरी हाइट ही मेरी पहचान बन गई है, मेरी हाइट से मेरे को लोग जानने लग गए हैं। लोग आपकी पहचान बन चुकी है? हाँ जी, हाँ जी। लोगों को तो कुछ करना पड़ता है लेकिन आपको जो है एक तरह से गॉड गिफ्टेड है, ये कह सकते हैं? हाँ जी, मेरे गॉड गिफ्टेड है, जहाँ भी जाता हूँ लोग फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, बड़ा मजा आता है मेरे को। तो नाम आपने अपना क्या बताया? मेरा नाम जितेंद्र है, वैसे तो लोग मेरे को जित्तू मोर लंबू के नाम से जानते हैं। किस नाम से बोलते हैं? जित्तू मोर लंबू। जित्तू मोर लंबू? हाँ जी, जित्तू। ये नाम आपका किसने रखा? मेरे पापा जी रख के गए थे। पापा आपके? हाँ जी। अच्छा, तो फादर आपके अभी नहीं है? अभी नहीं है फादर, नहीं एक्सपायर। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरी ज्वाइंट फैमिली है, चाचा है, ताऊ है, मौसी है, चाची है, मम्मी है, दादी। एक ही घर में रहते हैं सब? हाँ जी, एक ही घर, सब एक ही घर में रहते हैं। हाँ जी, एक ही घर में रहते हैं। तो यहाँ पर जिस और लंबे हैं, तो फैमिली में वैसे मेरी सिस्टर है वो 5 फुट 8 इंच की है, मेरे चाचे ताऊ है वो, मेरे दादा जो 6.5 फुट के थे, मेरे दादा आपके 6.5 फीट के थे। हाँ जी, और मेरे पापा भी 6.4 के थे, और मेरे चाचा है वो भी 6.1 का है, और मेरे ताऊ जी वो 6.2 के। तो मतलब आपने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया? हाँ, मैंने तो हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरियाणा का ही तोड़ दिया? हाँ जी, हरियाणा का तोड़ दिया। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, इन्होंने हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और जितेंद्र इनका नाम है, जित्तू मोर लंबू इनको नाम इनका लोगों ने रख दिया। और यहाँ पर जो इसका पॉजिटिव इन्होंने बताया कि इनकी पहचान इनको मिल गई। तो आपने कोई अपना फेसबुक अकाउंट वगैरह भी बना रखे हैं फिर? मैंने हर जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह आप सर्च कर सकते हो जित्तू मोर लंबू के नाम से। अच्छा। हाँ जी, तो फिर काफी सारे लोग तो आपके फॉलोअर बन गए होंगे। जैसे जब तक टिकटॉक था मेरे 1.5 मिलियन थे, तो टिकटॉक तो बैन, टिकटॉक पे 1.5 मिलियन। हाँ, तो मेरा टिकटॉक तो बैन कर दिया क्योंकि देश जरूरी है। हाँ, तो क्या नाम है, फिर मैंने इंस्टा पे बनाया है, इंस्टा मेरे 9,33,000 हो गए थे। इंस्टाग्राम पे 9,33,000? हाँ, तो वो मेरा किसी ने हैक कर लिया। वो हैक कर लिया? हाँ, तो एक बार तो
मन से हो गया कि मैं बनानी नहीं वीडियो, फिर मैंने दोबारा शुरू किया अभी जीतू मोर लंबू के नाम से, उस पर लगभग 60,000 के करीब हो गए हैं, तो अभी और उस पर 2-3 मिलियन जल्दी होने जाए। सरकार की तरफ से कोई अवार्ड नहीं मिला नहीं, या कोई हेल्प हुई हो सरकार की तरफ से, जैसे कोई कई बार नौकरी ऑफर कर देते हैं या कुछ ऐसा कुछ भी सरकार की तरफ? नहीं, सरकार की तरफ से कोई वो नहीं मिली है मेरे को। कोई भाई कहीं प्रोग्राम होते हैं, किसी ने कबड्डी के मैच करवा रखे, किसी ने और प्रोग्राम करवा के, तो उसमें मेरे को चीफ गेस्ट सम्मानित करते हैं, चीफ गेस्ट बनने का मौका मिलता। तो यहाँ पर जैसे अभी तो हमने पॉजिटिव की बात कर ली है, थोड़ा सा इसमें अब हम उसमें भी चले जाएंगे कि आपको जैसे अब आप आपके लिए जो आपके शूज का नंबर है क्या है वैसे? मेरा शूज का नंबर है 17 नंबर। 17 नंबर, वाह, ये मतलब हम तो 7 और 8 डालते हैं, आपका सीधा 10+ हो गया है। 17 18। तो यहाँ पर शूज का नंबर जो है वो 17 नंबर है, आप समझ सकते हैं। शूज दिखाइए इनके, तो ये नीचे शूज है इनके, आप देख सकते हैं काफी बड़े साइज के, और हमारे शूज भी देख सकते हो आप कि कितना साइज है हमारे शूज का। तो यहाँ पर जो पैंट लेते हो आप, फिर वो भी खरीदने में दिक्कत आती है? पैंट मेरी कहीं मिलती नहीं, स्पेशल बनता जो कुछ भी है मेरे, स्पेशल बनवाते हैं आप? जूते ही मेरे स्पेशल आते हैं, पैंट शर्ट भी मेरी स्पेशल आती है। तो जीन्स वगैरह मार्केट में मिलती है आपके साइज? नहीं, दिल्ली से बनवाता हूँ मैं। कभी ऐसा होता है कि मन पसंद कुछ अच्छा दिख गया और वो जिस पहनने का मन है पर वो साइज नहीं है? नहीं, वो साइज मिलता ही नहीं है कहीं भी। कहीं भी नहीं मिलता है, बनवाना पड़ता है ऑर्डर पे? वो तो है, ये मन को मारना ही पड़ता है। तो मतलब जब आप कोई भी चीज बनवाते हैं तो फिर जब आप किसी दर्जी के पास जाते हैं तो वो भी देख के हिल जाता होगा आपको? जब वो मैं उसके दर्जी के पास जाता हूँ तो कुर्सी पे खड़ा होकर मेरा नाप लेता है, कुर्सी पे खड़ा होकर नाप लेता है। तो आपको बता दें कि इस समय जो हमारी कैमरामैन है वो उनको भी हमने सजेस्ट किया था कि वो कुर्सी पे खड़े होकर ले, लेकिन हाथ ऊपर करके उन्हें वीडियो बनानी पड़ रही है, इसलिए वो खुद ही नीचे बैठ गए हैं। तो यहाँ पर जो है फिलहाल और चीज़ बात कर लेते हैं, आपके लाइफस्टाइल में जब आप घर में निकलते हैं तो दरवाजे की चौखट है वो स्पेशली बनवाई हुई है या कुछ उनमें वही है वैसी? नहीं, पहले हमने छोटी थी हमारी, अब हमने लंबी करवा ली है। लंबी करवाई है? हाँ जी, हाँ जी, स्पेशल मेरा बेड है। हाँ, बेड भी पूछने, रात को सोते हैं तो फिर उसके लिए भी फिर लंबी प्लाई वाला बेड बनवाया है? लंबी है जी, स्पेशल है। स्पेशल है? हाँ जी, बेड भी स्पेशल है। तो यहाँ गाड़ी में जब बैठते हैं, तो अभी आप बैठे थे एक गाड़ी के अंदर तो मैंने देखा, तो गाड़ी में बैठने को कि उसको तो बड़ा दिक्कत हो जाती होगी? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती, जो मेरे पीछे बैठता है वो मेरे पीछे नहीं बैठ सकता, बिल्कुल पीछे सीट। मतलब कि फिर आपकी जो 5 सीटर गाड़ी है वो या तो 4 सीटर बन के ही जाती है? 3 सीटर ही बन के, 3 सीटर तीनों ही जाते हैं बस। तीन लोग जो है वो पीछे करके फिर बैठ जाते हैं? हाँ जी, हाँ। तो मतलब ऐसी किसी आम छोटी गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते, बड़ी SUV होनी चाहिए? हाँ, जब भी तो ये नहीं लेके आए हैं ना, ये नई गाड़ी ली है? हाँ, परसों ही ली है। अच्छा, परसों ही ली है, इसीलिए ली है? पहले कौन सी थी? पहले तो छोटी थी पोलो। पोलो? हाँ। उसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाती है? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बिल्कुल ही पीछे दोनों सीट ऐसे जाते हैं। लंबे सफर में यही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे लंबे सफर में जाने में। गाड़ी को ट्रैवल किया है अपने? बस में ट्रैवल किया, लेकिन बस में अगर कई बार सीट नहीं मिलती तो ऊपर और मेरा सिर लग जाता है छत पे, तो मैं बहुत कम बस और ट्रेन में बहुत ही कम करता हूँ मैं। जैसे अब आप कटिंग वटिंग भी करवाते होंगे तो नाई भी चढ़ के कुर्सी थोड़ा हाइट पे करता होगा? नाई वो लगा लेता है नीचे कुछ, स्टूल लगा के वो अपने आप काट देता। तो मतलब आप जहाँ जाते हो हर जगह ही पॉपुलर हो रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हर जगह पे। हाँ बिल्कुल। तो आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर बता दें कि नेगेटिव इतने नहीं है क्योंकि उन चीजों को मॉडिफाई किया जा सकता है, चाहे वो आपकी गाड़ी हो चाहे आपके घर की चीजें हो, उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन उसका पॉजिटिव जरूर निकल कर आया इनके लिए क्योंकि इनके काफी सारे फॉलोअर्स हैं और काफी सारे लोग जो है इनको पहचानते हैं, क्योंकि एक औसत आदमी की जो हाइट होती है उसको लेकर तो आदमी हमेशा से सोचता है मैं सुंदर लग रहा हूँ, ये है वो है, और कई बार ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति को देखकर जरूर लोग देखते हैं देखो कितनी लंबी हाइट का व्यक्ति, लेकिन वही चीज इनके लिए पॉजिटिव बनकर इनके लिए सामने आई है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल और भी ऐसे कई हाइट के लोग होंगे जो कई बार, कईयों को मैंने देखा है कई बार चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, क्या आपको ऐसा कभी लगा? नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, चलने फिरने में बैठने में दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर आप दौड़ भी लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दौड़ भी लेते हैं, चल भी लेते हैं, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। जैसे खेल कूद एक्टिविटी करते हैं लोग, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, ये सब खेलते हो? हाँ हाँ, खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। वैसे तो आपके जितना फुटबॉल कोई फेंके तो पकड़ भी नहीं पाएगा? नहीं नहीं नहीं। तो वैसे तो कई चीजें होती है घर में, अब मान लो अलमीरा से चीज उठानी है आप तो फटाफट से दे देते होगे, फिर पकड़ गई यूं ही एक मिनट में उठा के दे देते हैं, तो ये चीजें सामने। 7.5 फुट की जो हाइट है ये किस उम्र में आपकी होगी? मैं जब 10वीं क्लास में था तो मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा लगने लग गई थी,
मतलब और बच्चों से मेरे को लाइन में स्कूल में जैसे हाइट वाइज खड़ा करते हैं मेरे को सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता था। तो मैं मम्मी को आके बोला कि मेरे को स्कूल नहीं जाना। बोली क्यों? माँ मेरे को सबसे पीछे खड़ा कर देते हैं लाइन में, शर्म सी आती थी थोड़ी। तो फिर मम्मी बोली चल तेरा चेकअप करवा लेते हैं। हम रोहतक गए PGI में, तो हमने डॉक्टर की सलाह ली, डॉक्टर राजेश राजपूत थे वहाँ पे। तो हमने पूछा कि हमारी हाइट बढ़े, तो वो हंसने लग गए। उनका लोग तुम्हारे पास कह रहे कि हमारी हाइट नहीं बढ़ी, हमारी हाइट बढ़ो, आप कह रहे हो कि छोटी करो। फिर उन्होंने मेरे MRI उम्र कराए, सारे चेकअप कराए, तो मेरे सब कुछ नॉर्मल था। मतलब आपको फिजिकली मेडिकली भी सब कुछ हमेशा नॉर्मल ही रहा? नॉर्मल है। मैं हर 6 महीने मेरा पूरा बॉडी चेकअप करवाता हूँ। आप हर 6 महीने में फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे आपका HB या आपका कोई भी और सब कुछ ओके नॉर्मल नॉर्मल है जी? हाँ जी, नॉर्मल, सब नॉर्मल आता है जी। कुछ और बताना चाहते हैं अपने बारे में? मैं बताना चाहूँगा, मैं इनका फ्रेंड हूँ। आप इनके फ्रेंड हैं जी? आपका आपका नाम? मेरा नाम पवन सैंतली है जी। हाँ जी। तो जैसे हम कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, बोस्टम जिम में कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो वहाँ पे जागरेट खली आए थे, तो उनसे मिले थे, इनका पता चला तो मिले, तो वो साथ खड़े हुए। उन्होंने ये कहा मेरे को, पहली बार मेरे से ऊंचा लंबा मिला, 2 फुट ऊपर थे दागरेट खली से ही। अच्छा, हाँ जी। और वो बहुत खुश हुए, उनके साथ ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया, डिनर 2 दिन रुके थे वहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा कि हमारे दोस्त का इतना बड़ा नाम है। तो बहुत खुशी होती है भाई। आपको भी थोड़ा गर्व फील होता है कि आप एक सेलिब्रिटी टाइप के आपके फ्रेंड हो गए, तो उनके साथ चलते हो? हाँ जी, हाँ जी, बहुत गर्व फील करता हूँ, क्योंकि लोग फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए भाई साहब के पास आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इतने फेमस पर्सनालिटी के साथ मेरा फ्रेंड है। मैं अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब सबसे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जिंदगी का सबसे जरूरी जो डिसीजन होता है वो होती शादी। तो अब आगे के बारे में क्या सोचा है, कि आपको भी अपनी हाइट की लड़की ढूंढनी पड़ेगी? नहीं नहीं, अभी तो पहले कामयाब होंगे। हाँ नहीं, कामयाब तो आप होंगे ही होंगे। अभी तो अभी कभी सोचा इस बारे में? सोचा कभी? नहीं नहीं, शादी शुदी अभी नहीं। अच्छा, अभी सोचा नहीं कभी, इस बारे में ख्याल नहीं आया? नहीं नहीं। कभी कभी कोई चिंता तो नहीं बड़ी इस बारे को? नहीं नहीं, कोई चिंता नहीं, अभी चिंता नहीं है। अभी जैसा कॉलेज में होता, कोई कभी ऐसा होता है लड़की पसंद आ गई और फिर उसने बोल दिया कि नहीं भाई तो बहुत लंबा है? क्या लड़की आपकी छोटी छोटी होती है, डोरेमोन से क्या पसंद करेंगे? ऐसा कुछ हुआ नहीं, छोटे छोटे तो आजकल कोई लंबी देखेंगे फिर। हम उम्मीद करते हैं, और जरूर आपका जो है वो भी, जिस तरीके से आपने सब कुछ मैनेज किया वो भी सब हो जाएगा। और फिलहाल जो है आपने देखा कि हमने बात करी जितेंद्र जी से, जो कि नरवाना नाम बताया, नरवाना सिंह। हाँ, नरवाना, ये मेरा भांजा है। ये आपके भांजे हैं? तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? आपको कैसा लगता है जब इनके बारे में लोग बोलते हैं, इनके सारे फॉलोअर्स हैं, क्या कहेंगे? ये अपना मामा है, सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है पूरे देश में ही, और इसके बारे में क्या शब्द ही नहीं है कुछ कहने को भी। ये है कि बस ग्रोथ करते रहे बस। कई बार कई लोग जो है ऐसा भी देखा गया है कि मेंटली थोड़ा वो हो जाते हैं, ये भी हुए थे एक बार, लेकिन बाद में इनके लिए सब पॉजिटिव ही निकल कर आया। यानी ये पॉजिटिव ही थे शुरू से, इसके माइंड में ऐसा कभी कुछ लोगों ने बीच में, जैसे हमारी लोगों की तरफ से कई बार ऐसा फील होता होगा, लोगों की तरफ से लोग हंसी करने लग जाते हैं, लेकिन अब तो आपको आपके लिए सब अच्छा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, करे जाओ हंसी, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए तो अच्छा है, अब तो लोग फॉलोअर्स बन चुके हैं, क्योंकि मैं खली से मिला था, उनसे लंबी है मेरी हाइट। ये देख लीजिए, ये जो खली हैं उनसे कब मिले थे, किस वक्त समय मिले? मैं एक बार तो 2018 में मिला था। ये तस्वीर कब की है? ये मेरी 2018 की है। और एक बार मैं चंडीगढ़ मिले थे, तो स्पेशल बुलाए थे उन्होंने, जी जी जी, तो जी, लंच पे बुलाया चंडीगढ़ पार्क प्लाजा होटल है जीरकपुर में। तो यहाँ आपको दिखाते हैं कि ये जो खली हैं, ये देख लीजिए साफ तौर पर, आप देख सकते हैं कि ये सबूत भी आपको दे दिया कि जो ग्रेट खली हैं। और आपको बता दें पंजाब पुलिस में भी ये रह चुके थे, और ऐसे में अब इन्हें भी जिस तरीके से जो खिताब है वो सबसे लंबे के जो हरियाणा के जो व्यक्ति हैं उनका मिल चुका है। तो आपसे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर करें सर, एक बार खड़े होकर दिखा दीजिए, तो एक बार चल के भी दिखा दीजिए। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि ये अब चलते हुए आ रहे हैं, और अभी गाड़ी में जिस तरीके से ये गाड़ी के पास खड़े हैं, और गाड़ी देख लीजिए, ये एक क्रेटा गाड़ी जिसके पास ये खड़े हैं, और एक गाड़ी कितनी छोटी सी इनके आगे लग रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है इनकी हाइट है, काफ़ी अच्छी इनकी हाइट है। और यहाँ पर जो है फिलहाल आपसे कहेंगे इस वीडियो को शेयर करें, और कहीं ना कहीं जो है सभी लोग देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके साथ में खड़े हैं, और एक जो है नॉर्मल जो युवा हैं वो खड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दें नीचे भी युवा ही खड़े हैं सभी, लेकिन इनके साथ में सबसे लंबी हाइट के 7.5 फुट के जितेंद्र, जो कि नरवाना के रहने वाले हैं,
और आज यहाँ पर आए थे अपनी गाड़ी का कुछ काम करवाने, तो जहाँ पर हमें जानकारी मिली और पहुँचे। और आपसे पहले इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को मोटिवेट करते रहें। तो फिर से जुड़ेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।